फाइनली रियलमी 2 और रियलमी C1 के जितने भी यूजर हैं उन सभी को कलर ओएस 6 और एंड्रॉइड पाई का अपडेट मिल चुका है। ना जाने कितने दिनों से इस अपडेट का इंतजार हो रहा था और कि अगस्त के महीने में इंतजार पूरी तरह से समाप्त हो चुका है क्योंकि सभी लोगों को अपडेट मिल चुका है। और इस अपडेट में बहुत सारे फीचर इस फोन में एड किए गए हैं, रियलमी 2 C1 जो भी फोन में अभी अपडेट आए हैं, लेकिन फीचर के साथ फोन में कुछ कमियां भी शुरू हो गई है। जी हाँ, कुछ प्रॉब्लम भी रियलमी 2 फोन में आ रहा है। अगर आपके पास है रियलमी 2 या फिर रियलमी C1 और आप अपने फोन में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस वीडियो में हम उन्हीं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही आपको बताएंगे कि उसका सॉल्यूशन क्या है। जी हाँ, हम सॉल्यूशन पे भी बात करने वाले हैं। तो अगर आपके पास कोई भी रियलमी डिवाइस है तो जरूर से वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हाय, मैं संतोष और आप देख रहे हैं टेक्नो अड्डा। तो शुरुआत करते हैं इस फोन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि लोगों द्वारा बताई जा रही है, आप लोगों द्वारा ही बताई जा रही है और मैंने टेस्ट करके भी देखा तो मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। कलर ओएस 5.2 में मुझे वैसा ही परफॉर्मेंस मिल रहा था और 6 में भी वैसा ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। यहां मैं बात कर रहा हूं बैटरी की। जी हाँ, बैटरी बैकअप के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमारे फोन में बैटरी ड्रेन जो है वो स्टार्ट हो चुका है कलर ओएस 6 के बाद में। तो मैंने टेस्ट किया है, कल मैंने फोन को चार्ज किया था, चार्ज करने में तो वही 2.5 घंटे का समय लग गया है मुझे इस फोन को और बैटरी ड्रेन होने में मुझे 1 दिन का समय लगा है। 1 दिन कह सकते हैं, दिन से पूरी रात तक में मेरा फोन जो है शट डाउन हो गया है। तो मुझे बैटरी ड्रेन में कोई ज्यादा भी फर्क नहीं महसूस हुआ है क्योंकि कलर ओएस 5.2 में मुझे इतना ही बैटरी बैकअप मिल रहा था रियलमी 2 में और 6 में भी इतना ही बैटरी बैकअप मिल रहा है। तो ये मैं पहले ही बता रहा था कि रियलमी 2 में बैटरी ड्रेन इशू है, इतना फास्ट ड्रेन नहीं होना चाहिए क्योंकि 4230 mAh का बैटरी है, उस अनुसार से इसका परफॉर्मेंस कभी भी नहीं रहा है। तो अभी भी मुझे इससे कुछ उम्मीद नहीं थी तो मेरे अनुसार से इसमें वही नॉर्मल बैटरी बैकअप मिल रही है। लेकिन आप लोगों का कहना है कि भाई साहब मेरे फोन में बैटरी ड्रेन हो रहा है, तो अगर आपका फोन दिन भर बैटरी बैकअप दे जाता है यूजेज करते हुए या रात भर तक चल जाता है तो समझ जाइए आपके फोन में बैटरी इशू नहीं है, बैटरी ड्रेन वाली इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके फोन बिल्कुल भी नहीं चल पा रही है, बैटरी बैकअप नहीं हो पा रहा है तो इसका इलाज जल्दी आपको मिल जाएगा। अगर बात करें दूसरे फोन के प्रॉब्लम के बारे में तो वो है इस फोन के यूएसबी कनेक्टिविटी के बारे में। जी हाँ, जब मैं इस फोन को कलर ओएस 6 के बाद लैपटॉप से कनेक्ट करता हूं तो ये शो ही नहीं कर पा रहा है। जी हाँ, और मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि आप सेटिंग में जाकर के चेक कीजिए, माई कंप्यूटर के मैनेज डिवाइस में जाकर के मैंने सब कुछ छेड़छाड़ कर लिया है पूरी चेकिंग। अभी अगर कोई डिवाइस सपोर्ट नहीं करता था तो उसको मैं इसी तरीके से ठीक कर पाता था, लेकिन रियलमी 2 में इस अपडेट के बाद जो किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में ये कनेक्ट नहीं होता है, सिर्फ मेरे लैपटॉप में नहीं बाकी मैंने जितने भी लैपटॉप वगैरह हैं उसमें ट्राई किया है, ये इशू मेरे फोन में आ गया है, वो अब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तीसरा प्रॉब्लम जो मैं अभी फेस कर रहा हूं वो मैं फेस कर पा रहा हूं लॉक को लेकर के। जी हाँ, पावर बटन दबाने पे भी बहुत बार जो स्क्रीन की लाइट जलती नहीं है, 2-3 बार दबाता हूं तब जाकर के जो एक्शन होता है, मतलब कभी कभी ऐसा लगेगा कि फोन डेड हो चुका है जबकि आपका फोन 40-50% चार्ज होता है और आप पावर बटन दबाते रहो या ऑन ही लाइट इसका ऑन नहीं होता है। ये वाला इशू मेरे फोन में स्टार्ट हो गया है कलर ओएस 6 के बाद जो कि बिल्कुल भी पहले नहीं था। फेस अनलॉक वगैरह बहुत ही अच्छे काम कर रहा, फिंगरप्रिंट भी मेरा ठीक हो चुका है और जो प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हुआ है पावर बटन के रिस्पांस पे जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अब जो है पावर बटन के रिगार्डिंग इशू स्टार्ट हो चुकी है। ये सॉफ्टवेयर वाला ही इशू है, हार्डवेयर वाला बिल्कुल भी कोई इशू नहीं है। अगला प्रॉब्लम जो मैं इस फोन में फेस करना स्टार्ट किया हूं वो है फ्लैश लाइट को लेकर के। जी हाँ, नोटिफिकेशन पैनल में आप जब भी जाकर के फ्लैश लाइट ऑन करोगे तो वहां पे जब भी कोई आप नोटिफिकेशन पैनल में कुछ सिलेक्ट करते हो तो वो कलरफुल हो जाता है, लेकिन फ्लैश लाइट वाले में ये इशू है कि आपका फ्लैश अगर जला हुआ भी है तो वहां पर शो नहीं करेगा डीप कलर होकर के कि आपका फ्लैश लाइट जला हुआ। यहाँ आप देखोगे फ्लैश लाइट जल रहा है लेकिन यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं कि हाँ यहाँ फ्लैश लाइट ऑन है, 2-3 बार प्रेस करने के बाद वो जो है डार्क वो कलरफुल होता है और तब जाकर के फ्लैश लाइट ऑफ होता है। ये वाला प्रॉब्लम मेरा स्टार्ट हुआ है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अगला प्रॉब्लम जो है कैमरा से रिलेटेड। जी हाँ, और कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम ये है कि इसकी पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो हो गई है। अगर आप पिछले कैमरा अपडेट से कंपेयर करते हैं तो इसमें पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी लो हुई है। कैमरा में बहुत सारे फीचर आ गए, यानी कि कलर ओएस 6 का जो फीचर था वो सभी कुछ ऐड कर दिया गया है इसमें, लेकिन पिक्चर क्वालिटी में थोड़ी सी डिक्रीजमेंट आप कह सकते आई है जो कि बहुत ज्यादा मुझे फील नहीं देता है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है, आप सब लोगों ने ही बताया है मुझे कि कैमरा की पिक्चर क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है। तो ये वाले प्रॉब्लम भी मुझे मेजर लगती है, बैटरी वाली प्रॉब्लम भी मेजर लगती है, लेकिन अगर आपका फोन दिन भर बैटरी बैकअप दे जाता है समझ जाइए कि आपका बैटरी ठीक है। रियलमी 2 और C1 का बैटरी बैकअप इतना ही है, उतने ज्यादा बैटरी बैकअप की आप उम्मीद इस फोन से नहीं कर सकते हैं। अगर फ्यूचर में कुछ अपडेट्स ये फिक्स कर पाए तो ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन
450 है शायद, जो कि बैटरी बैकअप के लिए उतना अच्छा प्रोसेसर नहीं है, इसलिए इतने बड़ी बैटरी होने के बावजूद भी इसका बैटरी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिल पाया है किसी भी Realme 2 या फिर Realme C1 डिवाइस में। अगला प्रॉब्लम जो कि बहुत कम टाइम मैंने फेस किया है वो है इस फोन की थोड़ी बहुत UI लैगनेस की। जी हाँ, अगर आप ऐप ड्रॉवर ओपन करते हैं तो बहुत टाइम तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका ऐप ड्रॉवर फंस सा गया, ऐसा लगेगा कि आपका फोन जो हल्का सा लैग कर रहा है। तो ये वाला इशू बहुत कम टाइम देखने को मिलता है, लेकिन हाँ ये वाला इशू भी इस फोन में है, ऐप ड्रॉवर सपोर्ट जो है थोड़ा स्लो काम कर रहा है। तो ये थे कुछ प्रॉब्लम इस फोन में जो कि ColorOS 6 अपडेट के बाद आए हैं, और मैंने इसे नोट किया था और आप लोगों के कॉमेंट सेक्शन को भी पढ़ा तो मैंने पाया कि हाँ बिल्कुल ये सभी कॉमन इशूज है Realme 2 और C1 डिवाइस में आ रहे हैं ColorOS 6 अपडेट के बाद। लेकिन हाँ अगर कुछ और इशू आपके फोन में आ रहे हैं तो जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएगा, क्योंकि मैंने जितना महसूस किया है उतना ही चीज को मैं यहाँ पे बता पा रहा हूँ, और जो आप लोगों के कॉमेंट से मिले हैं उन चीजों को ही मैंने इसमें लिया है। और अब बात कर लेते हैं कि इसका उपचार क्या होगा, यानी कि इसका उपाय क्या है, ये ठीक कैसे होगा। तो इसका एक ही उपाय है, अगर आपके फोन में कोई भी इशू आ रहा है तो आने वाले नेक्स्ट अपडेट में हम कंपनी को इतने सारे फीडबैक देंगे, इसके बारे में बताएंगे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, कॉल करके हो, मतलब दिन भर यही बोलेंगे कि हमको ये चीज प्रॉब्लम आ रही है हमारे फोन में, और हम घड़ी घड़ी मिनटों में उसे फीडबैक देंगे। जी हाँ, कंपनी के वेबसाइट पे जाकर के या फिर ट्विटर हर जगह फीडबैक देंगे कि हमारे फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अगला वाला जो आने वाला अपडेट होगा, जी हाँ कोई भी अपडेट जो आएगा Realme 2 या फिर Realme C1 डिवाइस के लिए, उनमें इन सभी बग को एक साथ फिक्स करके आपको अपडेट दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ट्विटर पे, आपको कॉल करके, कहीं पे भी रियलमी टीम के कान में ये बात डालनी है कि मेरे फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, और एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार हो सके हम बताएंगे कि हमारे फोन में ये प्रॉब्लम आ रही है, और उनको काम करना पड़ेगा इसके ऊपर में। क्योंकि अपडेट में बहुत सारे फीचर तो दिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम अगर आई है तो उसे ठीक कौन करेगा, कंपनी ही ठीक करेगी। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका फोन आने वाले समय में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो, उम्मीद करते हैं आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कुछ भी बताना हो, पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और अगर पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।